दिख रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार 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 दोस्तों, मैं आशीष अंतिल आज फिर आपके सामने पेश हो रहा हूं नई ऊर्जा नए दिन के साथ। और आज हम अपना नया टॉपिक मतलब अलग अलग अगला टॉपिक करेंगे। जैसे कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, लास्ट क्लास की तरह ही, जैसे लास्ट क्लास में हमने पूरा हिंदुस्तान, जी हाँ, आप किसी भी लेवल की तैयारी करो, खासकर अगर मैं कहूँ ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की या फिर ग्रुप ए की, है ना, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा भी यहां पर होगा, उसने भी लास्ट क्लास को देखकर महसूस कर लिया होगा कि वर्ल्ड इंडिया का मैप, इंडिया का मैप 45 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर रखा है। कंप्लीट इन द सेंस बिल्कुल काराकोरम से लेके नीचे कोडमम तक, है ना, अरावली से लेके उधर पूर्वांचल तक सब कुछ, पठार, पर्वत, कंचनजुंगा वगैरह, आपका जो भी आपका पॉसिबल हो सकता है वो सारे मैंने आपको विद डिटेल इंफॉर्मेशन में मैप पर दिए हैं। मैप पर करने का फायदा दोस्तों, ताकि आपसे जब क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं कि भैया कि ये वाली जो रेंज है ये इसके बारे में निम्नलिखित, अरे ग्रुप डी में, ग्रुप डी जो हरियाणा में हुआ था उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि बच्चे के तोते उड़ जाएं, हिमालय से रिलेटेड और बाकी पहाड़ों से रिलेटेड, कि शिमला दार्जिलिंग जैसे पहाड़ कहां पड़ते हैं, मतलब शहर कौन से पहाड़ों में पड़ते हैं। और जब तक आप मैप से नहीं करोगे, जब तक आप किताबों में रट्टा लगाते चले जाओगे, जब तक सवाल ही पैदा नहीं होता आप आंसर दे दो। और वो तो जनाब ग्रुप डी का पेपर था। ग्रुप डी के पेपर में इस प्रकार से लोगों के तोते उड़ गए। अगर हम बात करेंगे ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप बी जिसमें इंस्पेक्टर वगैरह आप लगते हो, या ग्रुप ए यानी कि यूपीएससी या पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मैप का पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, ओके, तो आज नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो पूरी उम्मीद करता हूं उस क्लास को आप देखिएगा, लास्ट क्लास को, जहां पर मैंने बात करी है भारत के पहाड़ और पठार जितने भी होते हैं सभी के सभी। मैं एक सेकंड आपसे क्वेश्चन ले रहा हूं और बिना रोक टोक के फुल स्पीड में फिर अपने दुनिया के सारे पहाड़ों को देखने चले हैं, कहां पर कौन से पहाड़ किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे बड़े लंबे चौड़े जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। अभी यहां मैं एक बार देख रहा हूं, बताइए यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आज की क्लास का लास्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं है, आज की क्लास बिल्कुल अलग है। जी अंजू शेरावत जी, यूपीएससी माउंटेन का जो इंडिया का टॉपिक करवाया है यूपीएससी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और काफी भी है। बस वो एक अलग मुद्दा है कि यूपीएससी में जब डिस्क्रिप्टिव में पेपर आता है, डिस्क्रिप्टिव में, तब हमारे को थोड़ी बहुत बातों को आज के संदर्भ में लिंक करना पड़ता है। लाइक अगर पहाड़ के बारे में पूछा जाए, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहाड़ बताए, उससे लिंक कर दिया, मान लो ये जो अभी आपका तूफान आया है ना, अंपन नाम का जो तूफान आया, यूपीएससी में क्या होता है, ये नहीं है कि पूर्वी घाट आपने बता दिया कि जी ये पूर्वी घाट है, हमने लगा दिया यहां पर, वहां पर नंबर वही हासिल कर पाता है जो सिर्फ, ऐसा नहीं कि पूर्वी घाट को यानी कि ईस्टर्न है माउंटेन को जानता हो, उसको आज से भी लिंक करना है। जो लोग आप में से डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलडीसी का हो, एमटीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, वहां पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिंक कर देना चाहिए। क्यों? ऊपर के कई राज्यों में तबाही ज्यादा है, नीचे के राज्यों में तबाही थोड़ी कम होती है, या फिर पीछे ज्यादा पीछे तक तबाही नहीं हो पाती। पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न जो घाट है वो भारत को प्रोटेक्ट करता है इस महान तूफान जैसे अंपन या सुपर साइक्लोन जो आते हैं, वरना आप समझ सकते होगे अंपन जैसे तूफान इंडोनेशिया से भी आगे से 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और 2,000 की किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी वो थोड़ी सी आगे तक यानी कि दिल्ली तक, सोनीपत तक नहीं पहुंच पाते हैं। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, उत्तर प्रदेश तक भी नहीं पहुंच पाते, उत्तर प्रदेश भी बहुत दूर की बात है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा तक ही रह जाते हैं बस। चलो जैसा भी है वो इस प्रकार से है। तो ये तो रही बात, पहाड़ों का मुद्दा कंप्लीट है लास्ट क्लास में, इंडिया का कंप्लीट क्लियर है। मैं चेक करने जा रहा हूं, कईयों को साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड क्लियर है सभी को? साउंड बताइए, साउंड सभी को समझ में आ रही है? बहुत अच्छे,
साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है, समझ में आए लाइक कर दीजिएगा, नहीं आए डिसलाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है। खासकर लास्ट क्लास में निचोड़ था, निचोड़, और आज हम वर्ल्ड को करेंगे, पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को। बहुत अच्छे, साउंड भी क्लियर है, अब ओके है, बेहतरीन। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल आज आपकी क्लास में वर्ल्ड मैप को लेकर चल रहा हूं, वर्ल्ड माउंटेन की, विश्व के सभी पर्वत सिर्फ 45 मिनट में करेंगे। फुल फोकस कीजिएगा, क्लास को रोक रोक कर देखिएगा बाद में, और डायग्राम भी बना लीजिएगा, अगर आपके पास मैप है तो वहां पर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्लास आपके करियर के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। और यह मेरी गारंटी है, अगर दुनिया में किसी भी पेपर में अगर माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, वर्ल्ड माउंटेन से, तो वो आज ही क्लास में खत्म होकर जाएगा, आज ही क्लास में उस क्वेश्चन को हम निपटा के जाएंगे, या तो बाद में देख लीजिएगा कि सर ने एक क्लास ली थी और उसी क्लास में से क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम एक पहाड़ों से, इधर से शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले यूरोप, यूरोप का एक महत्वपूर्ण इलाका पड़ता है, यूरोप को अगर हम कंसिडर करें तो आज की शुरुआत हम यूरोप से करेंगे अपनी, ठीक है। ओके, देखिए दोस्तों, यूरोप को आप सामने से देखिए, यह आपका यूरोप का इलाका है। यूरोप में एक बहुत महत्वपूर्ण रेंज पड़ती है, और वो रेंज पड़ती है इधर, ये एक देश है नॉर्वे, और ये पड़ता है स्वीडन, ये लाल कलर का स्वीडन, और ये पड़ता है फिनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यहां पर एक माउंटेन रेंज पड़ती है, जिस माउंटेन रेंज को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन रेंज। आपको बता दूं, किताबों को देखोगे तो आप एल्प्स का नाम सुनोगे, और कई लोगों ने एल्प्स के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज जो पड़ती है वो यूरोप की सबसे लंबी माउंटेन रेंज पड़ती है, सबसे लंबी, लगभग 1700 किलोमीटर की रेंज पड़ती है, 1700 किलोमीटर की ये रेंज पड़ती है, और ये पड़ती है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है स्कैंडिनेवियन, यह शब्द कई पेपरों में पूछा जा चुका है, इनफैक्ट पीसीएस और यूपीएससी टाइप के पेपरों में भी। स्कैंडिनेवियन समूह किसको बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको बोलते हैं, वो यही यूरोप के ऊपर के देश पड़ते हैं। एक देश पड़ता है इधर डेनमार्क, डेनमार्क, मैं इसको अगर थोड़ा सा आपके लिए जूम और करना चाहूं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक पड़ता है डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्वे ये जो बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ये पिंक हो रहा है, ये आपका स्वीडन, और उससे आगे फिनलैंड। हालांकि फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन में कंसीडर नहीं करा जाता, लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखला की, रेंज, रेंज की बात करते हैं, तो हां ये भी आपका उसी रेंज में कंसीडर किया जाता है। तो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियन के नाम से जानी जाती है, तीन देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, 1700 किलोमीटर की रेंज पड़ती है दोस्तों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, यूरोप की एक और रेंज पड़ती है जो आपको इधर मिलेगी, पोलैंड, हां इधर मिलेगी, ये इलाका आपका पोलैंड, यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया वाला, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, इसको मैं दोबारा डिटेल में बताता हूं यहां पर, इस इलाके को मैं और सामने आपके पेश करना चाहूंगा। जैसे ये है यूरोप, ये यूरोप का देश पड़ता है दोस्तों, यूरोप का इलाका पड़ता है। यूरोप में एक रेंज पड़ती है जिस रेंज का नाम है कार्पेथियंस, नहीं जो आप लोग अभी वेट कर रहे हो उसका तो मैंने बात भी नहीं करी है, एल्प्स। बहुत सारे लोग एल्प्स का वेट कर रहे होंगे कि एल्प्स आएगा, एल्प्स आएगा, एल्प्स नहीं, दूसरी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी रेंज पड़ती है कार्पेथियंस, इसमें लंबाई पड़ जाती है 1500 किलोमीटर के आसपास में, और यह पड़ती है अगर आप इन देशों को देखोगे तो, अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो इन, ये आपका पड़ता है आपका फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इधर
इधर इधर ये देश कंसिडर होते हैं जहां पर ये रेंज पड़ती है कार्पेथियंस। यहां पर कौन कौन से देश पड़ जाते हैं, यहां पर पड़ जाते हैं पोलैंड, यूरोप के नक्शे को जरूर देखिएगा यूरोप के। नेक्स्ट पड़ जाता है चेक, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट स्लोवाकिया, नेक्स्ट स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट सॉरी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नेक्स्ट हंगरी, नेक्स्ट रोमानिया, नेक्स्ट यूक्रेन। तो इन कुछ देशों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन कुछ देशों में एक देश एक रेंज पड़ती है जिसको बोलते हैं कार्पेथियंस। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी रेंज होती है दोस्तों, यूरोप की दूसरी। इनको अगर आप नक्शे पर ढूंढने जाओगे तो नक्शे पर आपको ये इधर मिलेगी, इधर पोलैंड, पोलैंड से नीचे आपको मिलेगा चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, आगे पड़ेगा यूक्रेन, नीचे आपको देश देखोगे तो आपको ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, ये देश भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये है दुनिया की यूरोप की दूसरी सबसे लंबी रेंज, इसको ध्यान रखिएगा। और अब हम करने जा रहे हैं यूरोप की, यूरोप की, और अब हम करने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रेंज पड़ती है जिसको बच्चा जानता भी है, कहां पर, यूरोप में। ठीक है, और वो रेंज मैं इसको हल्का सा साइड कर देता हूं। वो रेंज पड़ती है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रेंज यूरोप की जिसको बोलते हैं एल्प्स। एल्प्स, एल्प्स की लंबाई पड़ती है 1200 किलोमीटर। और ये फेमस क्यों है, ये फेमस इसलिए है दोस्तों क्योंकि यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण देशों में यही पड़ती है। आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप इटली चले जाओ, आप फ्रांस चले जाओ, आप जर्मनी चले जाओ, आप जहां पर भी यूरोप में जाओगे घूमने के लिए, वहां पर जो खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ या वादियां आपको दिखाई देती है, फिल्मों में आपने देखा हो या आप कभी वहां पर गए हो, एक सबसे महत्वपूर्ण इलाका स्विट्जरलैंड, कई पेपर में पूछा गया है स्विट्जरलैंड किन पहाड़ों में बसा हुआ है, या फ्रांस में या जर्मनी में कौन से पहाड़ महत्वपूर्ण पड़ते हैं, तो वो पड़ते हैं एल्प्स। एल्प्स यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ों में से एक पड़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है स्विट्जरलैंड का, इटली और स्विट्जरलैंड। इटली जिसको एक और नाम से पुकारते हैं रोम, हालांकि अब तो इटली की राजधानी रोम है एक प्रकार से, लेकिन इटली और स्विट्जरलैंड पता नहीं कितने पेपरों में पूछा गया है कि किन पहाड़ियों पर है, तो वे एल्प्स पर है। वहां की खूबसूरती ये खूबसूरती है, ये आपके पड़ता है इटली, इटली से आगे मोनेको, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी से आगे आपका स्विट्जरलैंड, लेक्टेनस्टेन, ये इलाके, यहां पर पड़ता है एल्प्स। इस इलाके को ध्यान दीजिएगा, इन इलाकों में कौन कौन से देश है मैं आपको बता दूं, इटली, मिस मत कीजिएगा, इटली, मोनेको, ये लिख लीजिएगा मोनेको, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, यहां पर जर्मनी, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड, लेक्टेनस्टेन, LIECH, लेक्टेनस्टेन, ये देश लेक्टेनस्टेन एक महत्वपूर्ण देश है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसके बारे में, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देशों में
यूरोप की एक तीसरी सबसे लंबी रेंज पड़ती है एल्प्स, 8 देशों में। इसमें मैं बता रहा हूं, पता नहीं 36 पेपरों में यह बात पूछी जा चुकी है, कितने पेपर में पूछी जा चुकी है कि इटली किन पहाड़ियों में बसा हुआ है। मोनेको जो कि दुनिया का सबसे छोटा समुद्र रेखा वाला देश है, दुनिया का सबसे छोटा, इधर फ्रांस है, जैसे ये फ्रांस है, फ्रांस के बिल्कुल इधर इधर ही, जैसे भारत के इधर बांग्लादेश है, इधर नीचे भारत के इधर बांग्लादेश घेरा हुआ है तीन तरफ से, बांग्लादेश को तीन तरफ से भारत ने घेरा हुआ है, वैसी फ्रांस इधर है और उसके एक तरफ इधर, ये मोनेको पड़ता है। मोनेको, मोनेको की खास बात ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे कम समुद्र, या तो किसी देश के साथ समुद्र लगता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश है जिनके साथ समुद्र नहीं लगता है, लेकिन जैसे देखो इधर बहुत सारे देश है जिनके साथ समुद्र नहीं लगता है, इराक आपके सामने है, नेपाल आपके सामने है, भूटान आपके सामने है, मंगोलिया आपके सामने है, कजाक, बहुत सारे देश है या तो लगता ही नहीं है, लेकिन जिनके साथ समुद्र लगता है उनमें से सबसे छोटा, आपने क्या याद किया होगा, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं, उसने क्या पूछा, दुनिया का सबसे छोटा समुद्र रेखा वाला, कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन कंट्री, एंड दैट इज मोनेको। मोनेको जो कि फ्रांस के चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है, सिर्फ 13 किलोमीटर समुद्र से लगता है, सिर्फ 13 किलोमीटर। तो बहुत महत्वपूर्ण देश है इटली, मोनेको, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हाँ ये लेक्टेनस्टेन और स्लोवानिया के बारे में आपने शायद ना सुना हो। ये देश किन पहाड़ियों पर है, ये सभी देश एल्प्स पर है, इनका ध्यान रखिएगा, एल्प्स पर, यूरोप के महत्वपूर्ण देश जहां पर इंसान देखने जाता है, जहां पर इंसान घूमने जाता है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ग्रेट, वेरी गुड। ये यूरोप की बात थी, यूरोप की, तो यूरोप में एक सबसे लंबी स्कैंडिनेवियन, दूसरी सबसे लंबी जी कार्पेथियंस और तीसरी सबसे लंबी एल्प्स, एल्प्स की पहाड़ियां। चलो हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर ध्यान रख रहे हैं, ये तो यूरोप की हो गई, एक स्कैंडिनेवियन, इधर कार्पेथियंस और इधर एल्प्स, 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 देशों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एक इधर पड़ती है दोस्तों अफ्रीका, जी हां अफ्रीका में एक ही महत्वपूर्ण रेंज है, सिर्फ एक, उसका नाम है एटलस, एटलस, एक ही महत्वपूर्ण रेंज पड़ती है अफ्रीका में और इस रेंज को ध्यान रखिएगा एटलस। वैसे तो काफी रेंज और भी है पहाड़ों की श्रृंखला, लेकिन एटलस उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और यह पड़ता है इधर, एक देश पड़ता है, मैं आपको बता दूं मोरक्को, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, यहां पर एक देश पड़ता है आपका मोरक्को, अफ्रीका में मोरक्को, यह है मोरक्को, यह है अल्जीरिया हरे रंग का और यह ट्यूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, तो इन देशों में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, इन तीन देशों में पड़ती है एटलस, एटलस लगभग लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है इस रेंज की और यह पड़ती है एटलस। और बहुत से पेपर में पूछा गया जब एटलस रेंज वो कौन से महाद्वीप में पड़ती है अफ्रीका में, कौन से देशों में पड़ती है, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, अरे मोरक्को वो इतिहास में पढ़ा होगा इब्न बतूता, वो कहां से आया था इतिहास में, आज भी लोग समझते हैं वो यूरोप से आया था इब्न बतूता, अरे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के टाइम पर जो था, जो आया था वो कहां से आया था, मोरक्को, मोरक्को नहीं है, बाद में अभी नहीं, अभी उसको चलने दो वहां पर, ओके। तो वो पड़ता है इब्न बतूता मोरक्को से, ठीक है, जिसने हाँ रोहला नाम से किताब भी लिखी थी। चलो आगे चलते हैं, अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इधर एक माउंटेन रेंज पड़ती है, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ये चार देश पड़ते हैं, इधर ये चार देश पड़ते हैं, इधर मैं इधर कर दूं, इधर ये जो पानी नजर आ रहा है
ये पड़ता है ब्लैक सी, ब्लैक सी, और इधर जो पानी नजर आ रहा है ये पड़ता है कैस्पियन सी। एसएससी ने भी जब क्वेश्चन पूछा कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन से पहाड़ पड़ते हैं, तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में जो पहाड़ पड़ते हैं, इन दोनों के बीच में जो पहाड़ पड़ते हैं, कैस्पियन सागर काला सागर, दोनों बहुत खारी झील हैं, हालांकि नाम दोनों सागर हैं, काला सागर और कैस्पियन सागर, लेकिन दोनों झील हैं, ये सागर नहीं है, सिर्फ नाम में सागर है। ठीक है, जैसे कोई नाम से हवलदार है लेकिन है कमिश्नर, अब है तो कमिश्नर लेकिन नाम हवलदार है, ठीक ना, तो सेम वही चीज है ये सागर नाम से लेकिन है ये झील, हकीकत में ये झील है। तो यहां पड़ते हैं कोकेसस, कोकेसस, यहां चार देश पड़ते हैं दोस्तों, एक तो रशिया, ये पीले रंग का जो देश पड़ता है वो रशिया पड़ता है, रशिया, ठीक है, एक पड़ता है अजरबैजान, 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 ठीक है, ठीक है, एक पड़ता है जॉर्जिया, जॉर्जिया, एक पड़ता है अर्मेनिया, कोकेसस, कोकेसस एक ऐसी माउंटेन है दोस्तों जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो माउंटेन है वो कोकेसस पड़ता है, एक कोकेसस चार देशों में पड़ता है, रशिया इधर, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, काला सागर ये है, कैस्पियन सागर ये है, नाम में सागर है, ये दोनों झील, और दोनों के बीच में कोकेसस, रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, ये चार देशों में कोकेसस की पहाड़ियां पड़ती है, एक, और यूरोप और एशिया को अलग करने वाले जो पहाड़ है कोकेसस, कोकेसस। नेक्स्ट, यूरोप और एशिया को, अब अगर बात उठी है तो इसको हम और भी आगे लेके चलेंगे, यूरोप और एशिया को एक और पहाड़ भी है जो अलग करते हैं, और वो पहाड़ पड़ते हैं आपके ये इधर ऊपर पड़ता है कारा, कारा सागर, कारा सी से लेकर वही कैस्पियन सागर तक, कारा सी से लेकर कैस्पियन सागर तक, जिसको हम बोलते हैं यूराल, यूराल माउंटेन, यूराल, यूराल माउंटेन, तो कारा सागर, हां ये सागर है, ये झील नहीं है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर में इधर, इधर पड़ता है ये सागर, तो कारा सागर से कैस्पियन सागर तक वो पड़ता है यूराल, इसके यूराल के इधर यूरोप है, उधर एशिया है, और कैस्पियन से काला, देखो यह है कारा, यह है काला, कारा अलग है, काला अलग है, अगर पूछा जाता है काला सागर तो काला, 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 ब्लैक, 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 काला सागर पड़ता है इधर तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, और अगर पूछा जाता है कारा, कारा सागर, तो कारा पड़ता है ऊपर, रशिया से भी ऊपर, जो होता है आर्कटिक इलाका, आर्कटिक, आर्कटिक इलाके में पड़ता है, तो ये दोनों माउंटेन एशिया उधर और यूरोप इधर, इनको अलग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये माउंटेन्स भी आप लोग समझ गए होंगे अभी तक के लिए, चलो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चंस किस प्रकार से आ जाते हैं, कारा से, कारा से कैस्पियन, यूराल है, यूराल, ये सारा यूराल है, और कैस्पियन से काला, 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 ये सारा आपका कोकेसस है, कोकेसस, कोकेसस, और ये एटलस, ये सारे आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका मैंने बनाया था, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक दूसरी जगह चलते हैं दोस्तों, और वो पढ़ते हैं इधर, ये चार देशों में एक ये रेंज पड़ती है, इधर पड़ता है कजाकिस्तान, ये देखिए भारत से थोड़ा ऊपर, इधर पड़ता है कजाकिस्तान, रशिया,
मंगोलिया, मंगोलिया ये वही मंगोलिया जहां से वो मंगोल्स आते थे, मंगोल्स, अरे मंगोल्स, वो चंगेज खां और बाद में चंगेज खां के ही वंशज जो वहां पर आए थे, मंगोल्स के आक्रमण आप लोगों ने शायद सुने होंगे, मंगोल्स, ये वही मंगोलिया है। तो इधर पड़ता है अल्टाई, अल्टाई, अल्टाई रेंज, अल्टाई माउंटेन रेंज, अल्टाई, मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना और रशिया, इन चार देशों में यह इलाका पड़ता है। यह वही इलाका है जहां से वो लोग आए थे। कौन लोग? हाँ, अरे खाना बदोशी तो थे वो, पहाड़ों में, पहाड़ों की घाटियों में रहने वाले, अल्टाई के इलाकों में रहने वाले मंगोल्स, मंगोल्स, चंगेज खां, बाद में चंगेज खां के ही वंशज वो बाबर वगैरह, बाबर इन्हीं के तो वंशज थे सबके सब। चलो जिसके हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। इधर एशिया का आप लोगों को पता ही होगा, एशिया की बताने की कोई जरूरत है नहीं हमारे लोगों को। यहां पर तुर्की, तुर्की, इराक और ईरान, तुर्की, इराक और ईरान, इन तीन देशों में एक और पड़ती है जिसको बोलते हैं ज़ाग्रोस, ज़ाग्रोस रेंज, ज़ाग्रोस, तुर्की, इराक, ईरान, तुर्की, इराक, ईरान, ज़ाग्रोस। तो अल्टाई, ज़ाग्रोस, अल्टाई, ज़ाग्रोस। और अब एक चलते हैं ज़ाग्रोस, अल्टाई और ये रशिया का ये इलाका, इसको बोलते हैं कमचटका, कमचटका। यूपीएससी में इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कमचटका रेंज, कमचटका, चटकारा वाला चटका नहीं, चाहे कोई भी चटका समझ सकते हो, चटकारे वाला समझ लो या चाहे कोई भी समझ लो, कमचटका। दुनिया में सबसे ज्यादा जो वोल्केनो पड़ते हैं किसी माउंटेन रेंज पर, एक्टिव, एक्टिव मतलब जो विस्फोट करने वाले माउंटेन होते हैं, वो इस इलाके में पड़ते हैं, इसको बोलते हैं कमचटका। रशिया का इलाका पड़ता है कमचटका रेंज। 160 से भी ज्यादा माउंटेन ऐसे हैं, मतलब ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कभी भी फट सकते हैं और फटते भी रहते हैं, क्योंकि ये एक्टिव है, एक्टिव मतलब सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी जो अक्सर अपना विस्फोट करते रहते हैं, लावा मैग्मा निकालते रहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब चलते हैं इधर ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से लेके ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे तक, ये दुनिया की तीसरी, तीसरी सबसे लंबी, थर्ड लॉन्गेस्ट है, थर्ड लॉन्गेस्ट है रेंज है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जब पूछा जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पड़ती है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पड़ती है वो पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, ऊपर से लेकर नीचे तक दुनिया की तीसरी सबसे लंबी रेंज पड़ती है दोस्तों, ये द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको बोलते कोजियोस्को, जी हां कोजियोस्को, कोजियोस्को। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे ऊंचा पहाड़ पड़ता है जिसकी ऊंचाई पड़ती है 2208 मीटर की ऊंचाई, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलो बहुत अच्छे, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तीसरी सबसे लंबी रेंज। ओके, एक और रेंज का आपको पता होना चाहिए, वो रेंज पड़ती है ये ऐसे, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका, इसको बोलते हैं, इस रेंज को बोलते हैं ड्रेवन, ड्रेवन या फिर माउंटेन, माउंटेन ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन्स। एक बार इसको सर्च जरूर कीजिएगा दोस्तों, माउंटेन्स ऑफ ड्रैगन्स जो है उनकी शेप लगभग लगभग जो है ऐसे कांटेदार तरीके से ऊपर से पड़ती है, और तो कई कई जगह आकृति इस प्रकार से लगती है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन्स,
ड्रैगन्स, वो जो फिल्मों में आपने सुना होगा जुरासिक पार्क या गॉडजिला टाइप का ड्रैगन्स, तो ड्रैगन माउंटेन वो कहां पड़ते हैं? ड्रैगन माउंटेन पड़ते हैं आपका साउथ अफ्रीका में, ड्रैगन माउंटेन्स साउथ अफ्रीका में, इस प्रकार से ड्रैगन माउंटेन्स। बहुत अच्छे, तो मैं बाद में थोड़ा सा बैकअप इसमें दूंगा आप लोगों को थोड़ी देर में ही। अब इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, यह दुनिया की सबसे पहली सबसे बड़ी रेंज है, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, चाइल, अर्जेंटीना, नीचे तक यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज पड़ती है, जिसका नाम पड़ता है एंडीज। एंडीज, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, जाहिर सी बात है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चाइल, अर्जेंटीना, सात देशों में से गुजरने वाली 7000 किलोमीटर लंबी रेंज, यह दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इससे लंबी माउंटेन रेंज कोई भी नहीं है, मतलब अगर जमीन पे बात करें तो। अगर हम समुद्र की बात करें, समुद्र में ना 49,000 किलोमीटर रेंज भी है, इधर 7000 है। समुद्र में डूबे हुए कई पहाड़, समुद्र में डूबे हुए कई पहाड़, जैसे कि यहां पर पड़ता है अटलांटिक रिज, अटलांटिक रिज, रिज, रिज जनाब, इसकी लंबाई 49,000 से भी ज्यादा है, 7000 कुछ भी नहीं होता। सारे पहाड़ मिला लोगे ना, हिमालय, काराकोरम, एंडीज, रॉकी, डिवाइडिंग, कोकेसस, यूराल, एल्प्स, स्कैंडिनेव, तब भी इसकी बराबरी नहीं हो सकती, जो समुद्र में डूबे हुए जो पहाड़ हैं। अगर हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन पे पड़ते हैं एंडीज, अगर हम समुद्र की हम बात करते हैं तो पड़ती है अटलांटिक रिज, ट्रांस अटलांटिक रिज जिसको हम बोलते हैं, लगभग 49,000 किलोमीटर लंबी रेंज पड़ती है ये एक प्रकार से, बट समुद्र में डूबे हुए, ऊपर से जहाज गुजरते रहते हैं, नीचे टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत नीचे हैं ये, काफी नीचे समुद्र के अंदर पड़ती हैं 49,000 किलोमीटर, ठीक है। तो जमीन पर पूछा जाए तो पड़ता है एंडीज, और पानी में पूछा जाए तो अटलांटिक रिज 49,000 किलोमीटर। ओके, बहुत अच्छे, बेहतरीन। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो इधर नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में दो महत्वपूर्ण है, एक कनाडा और अमेरिका, इधर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर इसको हम बोलते हैं रॉकी, रॉकी, और एक कनाडा, इधर देखिए ध्यान से, कनाडा और अमेरिका में ही इधर, इसका नाम है एप्लेशियन, एप्लेशियन, एप्लेशियन। तो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में दो महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज पड़ती है, एक कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि रॉकी, रॉकी दुनिया की दूसरी सबसे, जी मैंने थोड़ी बनाई छोटी है, बट रॉकी 4800 मीटर किलोमीटर लंबी पड़ती है, और यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रेंज है। तो सबसे लंबी एंडीज, सेकंड रॉकी, थर्ड जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग, और फोर्थ पे हमारा हिमालय, हिमालय को आप जानते ही होंगे, हिमालय, और पांचवे पर अगर देखा जाए एटलस, एटलस जो मैंने यहां पर आपको बनाई थी मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में। तो अगर सबसे लंबी की बात करूं, नंबर वन एंडीज, नंबर टू रॉकी, नंबर थ्री ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया, नंबर फोर हिमालय, हिमालय को सब जानते हैं, और नंबर फाइव एटलस, एटलस, एटलस। लेकिन ये जमीन पर है, अगर समुद्र की बात की जाए तो फिर पड़ती है अटलांटिक रिज, अटलांटिक रिज यानी कि 49,000 किलोमीटर लंबी रेंज, 49,000 किलोमीटर लंबी रेंज पड़ती है दोस्तों। तो ऑर्डर में भी अगर हम बात करना चाहें तो इस प्रकार इनके ऑर्डर, और यूरोप, यूरोप के तो कहने क्या, वो खूबसूरती कहां, एल्प्स में छुपी हुई है, एल्प्स, एल्प्स जो कि मैंने आपको स्विट्जरलैंड, कौन से पहाड़ियों पर है, एल्प्स पर है, जो आज की क्लास में हमने बात करी,
स्विट्जरलैंड, इटली, मोनेको, जर्मनी, फ्रांस, कौन सी पर है? एल्प्स पर पड़ती है वो दोस्तों, ठीक है ना, जिनकी अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहाड़ पड़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, देखा जाए ये देखो, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिन जिनको इंडिया के बारे में बात करना लास्ट क्लास में देखिएगा, जहां पर मैंने इंडिया के सारे माउंटेन्स कवर करे हैं सारे के सारे, और यहां पर मैं वर्ल्ड के माउंटेन कवर कर रहा हूं। ये एटलस है, एटलस है, एटलस, 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 कोकेसस, आपको यूराल, कमचटका, अल्टाई, ये सारी चीज कवर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं फिर भी एक बैकअप आपको देना चाहूं, देखिए कितना आप लोग समझे हो अभी तक, तो उसमें हम देखेंगे यहां पर, उसमें हम देखेंगे यहां पर, देखते हैं अब हम पूरी दुनिया को एक बार कवर करके देखते हैं कितना हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। अब अगर देखना चाहूं पूरी क्लास का एक बार निचोड़ में देना चाहूं, तो ये दुनिया की सबसे लंबी रेंज है, ये कौन सी है? एंडीज, 7000 किलोमीटर, 7 देशों में है, मैं बता चुका हूं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चाइल, ठीक है। नेक्स्ट रॉकी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रॉकी, कनाडा और रशिया में, ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होके नीचे आपके कैलिफोर्निया तक जनरली जाती है या न्यू मेक्सिको तक जाती है रॉकी, रॉकी 4800 मीटर लंबी है, ठीक है। तीसरी सबसे लंबी ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया के इधर है, सॉरी मैंने पहले गलत बना दिया, इधर इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर ग्रेट डिवाइडिंग, ये तीसरी सबसे लंबी है। चौथी हिमालय 2500 किलोमीटर हिमालय, पांचवी एटलस, एटलस मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, अरे मोरक्को अफ्रीका, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, जहां से वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, रेहला किताब लिखने वाला इब्न बतूता, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री में, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो कहां से आया, बंदा सोचता यूरोप से आया, नहीं आया, वो यहां से आया, मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका का बिल्कुल कोना, उधर का कोना अल्जीरिया। तो ये है पांच सबसे लंबी रेंज। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये, यहां पर मैंने बताया तीन देश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, ठीक है। एक आपका एल्प्स, एल्प्स को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की क्लास में मैंने जो एल्प्स आपको बताया है, एल्प्स सबसे महत्वपूर्ण है इनमें। एक कोकेसस, काला सागर से कैस्पियन सागर, काला से कैस्पियन, कोकेसस, कोकेसस, काला से कैस्पियन, काला से कैस्पियन, और कैस्पियन से यूराल, मतलब थोड़ा ऊपर से, इतना भी नहीं, मतलब यहां कैस्पियन से कारा, 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 यूराल, यूराल, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये कौन सा? अल्टाई, अल्टाई, और रशिया का इधर कौन सा? कमचटका, 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 ये रेंजेस का। और यहां पर मैंने तुर्की की तरह आपको बताया जेग्रोस, जेग्रोस, तो ये महत्वपूर्ण पहाड़ पड़ते हैं पूरे दुनिया के। इसमें एक और ध्यान आ गया मुझे, और वो पड़ता है इंडोनेशिया का ये रेंज, इंडोनेशिया की ये रेंज जिसको बोलते हैं बुरकिट, बुरकिट बैरिसन, ये भी ज्वालामुखी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। यहां पर भी बहुत सारे ज्वालामुखी, इंडोनेशिया के ये पहाड़ बुरकिट बैरिसन ज्वालामुखी के लिए बहुत फेमस पड़ती है, क्योंकि ये भी इलाका ज्वालामुखी से भरा पड़ा हुआ है। कुछ समय पहले भी देखोगे तो यहां पर कई सारे विस्फोट भी हुए थे। ये हैं दुनिया के सभी पहाड़, माउंटेन्स जो मेरे को आपको बताने थे। एक उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। एक दूसरी बात दोस्तों, अभी हम दो चीजें कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक ये आपको जो मेन नॉलेज दे रहे हैं पेपर के हिसाब से, दूसरा
हमने काफी महसूस किया दोस्तों कि बच्चा क्या करता है, पढ़े जा रहा है, हमारा स्टूडेंट जो इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं पहले से, ठीक है, कई लोग तो पीसीएस भी क्लियर कर चुके हैं और क्लर्क या ग्रुप डी में भी जा चुके हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि कहां कहां नहीं जाती, सभी जॉब्स में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप ए में ही है, ग्रुप ए बी सी डी चारों में है, हालांकि हम ए की तैयारी नहीं कराते लेकिन बच्चा खुद मेहनत करके लग जाता है तो हम भी क्या करें, अच्छी बात है, मुबारक हो उसको जो इस प्रकार से चल जाते हैं। एक दूसरी बात, कई बार बच्चा क्या होता है किताबी कीड़ा बन के रह जाता है, सिर्फ पढ़ा लो, कम चटका, एंडीज, रॉकी, एल्प्स, हिमालय, काराकोरम, कोकेसस, कारा सागर, काला सागर, पढ़ा लो, इसलिए वो हमेशा क्या होता है, वो किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए हम लोग एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो ये है, ये कंसेप्ट आपको मिलता रहेगा, डिटेल नॉलेज पेपर के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप में से बच्चे किताबी कीड़ा ना बन जाए इसलिए हम एजुकेशनल टॉक्स को भी साथ साथ में लेके आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एजुकेशनल टॉक्स जो सिर्फ पेपर के हिसाब से भी कामयाब है और आपको समाज में एक अच्छी नॉलेज देने के लिए भी कामयाब है। कई मुद्दे उसमें आप समझ सकते हो जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि अभी हमने बात करी पोखरण की भी बात करी, जैसे हमने बात करी रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करी, ठीक ना, ऐसे ही कई मुद्दे और भी आएंगे आपकी एजुकेशन को लेकर, हालिया जो कोरोना है या उसको लेकर, या फ्यूचर में कोई और नए मुद्दे आते हैं उनको लेकर, क्या कि आप बाकी चीजों से भी अपडेट रह सको, है ना, सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन सको और ना सिर्फ अपडेट रह सको। मान लो हमने अकबर के बारे में बताया, पढ़ाई से तो बताया ही बताया, लेकिन ऐसी ऐसी बातें, अनसुनी बातें भी आपको बता दी कि आपको एक अच्छी नॉलेज उस किरदार के बारे में पता होगी। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा अगला टॉपिक अकबर है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है। तो किताबी ज्ञान पेपर के हिसाब से जो ज्ञान आपको दिया जाएगा वो तो यहां हो ही रहा है, रोज टाइम टेबल में आपकी क्लासेस चल रही है, मिल भी रही है और मिलेगी भी, लेकिन साथ साथ में एजुकेशनल टॉक्स के माध्यम से भी हम आपको बाकी नॉलेज भी देते रहेंगे दोस्तों। और इन सभी नॉलेज के लिए एक काम आपको करना है, शेयर जरूर करना है, ताकि वो नॉलेज आपके माता के भी काम की है, पिता के भी काम की है, भाई बंधु, पढ़ने लिखने वाले और ना पढ़ने वाले सबके काम की होगी। बाकी एजुकेशनल चीजों के बारे अगर हम बात करना चाहें तो, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नॉलेज मिलती रहे जो एजुकेशनल टॉक्स की हम बात करना चाह रहे हैं। दो तीसरा दोस्तों, स्टैटिक जीके का जो पैकेज है, कई बच्चों ने आप में से खरीद लिया है, ज्यादातर बच्चों ने खरीद लिया है। अगर कोई बच्चा स्टैटिक जीके का पैकेज अभी तक नहीं खरीदा है, खरीद लो, सिर्फ एक रुपए का है, बिल्कुल फ्री है। एक रुपए को मैं नहीं मानता, आज के टाइम पे कुछ कीमत रखती है इस मामले में। बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज आपको दी जा रही है किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए। इस वीडियो के नीचे लिंक में हमारी एप्लीकेशन का लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक होगा, उस लिंक पर जाइए, वीडियो खोलिए और स्टैटिक जीके का पैकेज आप लीजिए। एक प्लस हम बाकी पैकेजेस भी निकाल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास, जैसे ज्योग्राफी की क्लास या पोल साइंस की क्लास या बाकी क्लास भी हम उसमें निकालेंगे, उनको भी आप लोग परचेज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं, स्टैटिक जीके का पैकेज और हमारी एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स का जो पैकेज है ये लगभग फ्री ही है, चार्जेस देखोगे कुछ भी नहीं है उसमें, तो उनको परचेज करोगे आप ही के फायदे में रहेगा दोस्तों। बाकी जैसे आपकी इच्छा, मेरा काम सलाह देना था, मानना ना मानना आपका काम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, आज क्लास यहीं पर खत्म होती है, नमस्कार। माउंटेन का टॉपिक इंडिया और वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है, जिनको डिटेल में बात करनी है वो लिंक में जाए, सारे माउंटेन्स 6-7 क्लास में कवर करें, 6-7 क्लास में लिंक में जाए, फिर देखिए। नमस्कार दोस्तों।